लाभ के साथ उत्कर्ष, समाप्त होगा संघर्ष। जिस व्यक्ति ने कभी चूक नहीं की, उसने कभी कुछ नया सीखने का प्रयास भी नहीं किया। जो उन्नति करते हैं, जो प्रयास करते हैं, वही चूकते हैं। चूक केवल काम करने वाले मनुष्य से होती है। जो काम नहीं करेगा, उससे चूक होने का प्रश्न ही नहीं आएगा। मीन जातक सदैव नई चीज़ों को लेकर उत्साहित रहते हैं। आपके प्रयास लगातार शुरू रहते हैं, जिस कारण आपसे गलतियां भी होती हैं। उसे वैसे ही रहने दीजिए और उन्नति की ओर आगे बढ़ते रहिए। यह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अप्रैल 2022 महीने का राशिफल समझने वाले हैं। उसमें आज हम मीन राशि के जातकों के लिए यह अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टियों से हम इस महीने की ग्रह स्थिति का विश्लेषण करेंगे। गत कुछ दिनों से मैं लगातार आपको बता रही हूँ, अप्रैल के महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो अत्यंत बड़ी एवं महत्वपूर्ण बात है। ऐसा इससे पहले कब हुआ था, यह बता पाना असंभव है। हो सकता है हजारों वर्षों के बाद यह योग बना हो, जिस कारण ऐसा कहा जा सकता है कि इस काल में युग परिवर्तन होगा। इसीलिए इस महीने के राशि भविष्य को आप सखोलता एवं गंभीरता से समझ लें। साथ ही वीडियो के अंत में इस माह करने वाले विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो कुंडली में राशि स्वामी की स्थिति को देखना आवश्यक होता है। गत 3 वर्षों से आपको उनसे अधिक शुभ फल नहीं मिले हैं, लेकिन अब स्थिति में बदलाव होने वाला है। आपके राशि स्वामी गुरु महाराज गोचर द्वारा आपके राशि में प्रवेश करेंगे। उसके शुभ परिणाम आपके व्यक्तित्व पर होने वाले हैं। राशि में प्रवेश करने वाले गुरु महाराज हंस योग का निर्माण करेंगे, जो पंच महापुरुष योगों में से एक महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। यह योग आपके व्यक्तित्व को समृद्ध एवं संपन्न करेगा। लोग मार्गदर्शन हेतु आपके पास आएंगे, आप भी उन्हें उचित मार्गदर्शन या उनकी मदद कर पाएंगे, जिससे समाज में आपकी प्रतिष्ठा प्रतिमा और भी ऊंची होगी। संक्षेप में यह महीना आपके व्यक्तित्व को समृद्ध करने वाला सिद्ध होगा, उसका पूरा उपयोग कीजिए। पारिवारिक दृष्टि से विचार करें तो मीन जातकों के लिए अपना परिवार सदैव महत्वपूर्ण होता है। पारिवारिक सौख्य प्राप्त हो, घर में सुख शांति हो, तो आप बाहर के किसी भी मोर्चे पर सफलता प्राप्त कर सकते हो। अप्रैल महीने का विचार करें तो आपका द्वितीय मंगल ग्रह महीने की शुरुआत में उच्च अवस्था में है। उसके बाद वह कुंभ राशि अर्थात आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेगा। इस अवधि में आपका जीवन साथी थोड़ा अपने मर्जी से बर्ताव करेगा, जिस कारण विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन आप अपने विचार उचित पद्धति से जीवन साथी को समझा पाएंगे। माता पिताजी के आशीर्वाद आपके साथ होंगे। संतति प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ती रहेगी। कुल मिलाकर यह महीना आपको थोड़ा खट्टा मीठा पारिवारिक सौख्य प्राप्त होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो आपके परिश्रमेश शुक्र ग्रह की यात्रा राशि के व्यय स्थान से शुरू है। 27 अप्रैल को वे आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शुक्र वहाँ उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे। वहाँ से आपके परिश्रम की दिशा उचित रहेगी। कभी कभी आप केवल अथक परिश्रम करते हो, लेकिन इस महीने आप बड़े स्मार्ट पद्धति से परिश्रम करने वाले हो। आप यदि लेखक हो, व्याख्याता हो, तो उसमें आपको विशेष प्रवीणता प्राप्त होगी। इस अवधि में आपकी यात्राएँ भी हो सकती है, उससे भी लाभ प्राप्त हो सकता है, उसका पूरा लाभ उठाइए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो
यह महीना आपके लिए लाभकारी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस महीने आपके लिए वास्तु वाहन के शुभ योग नहीं रहेंगे। वास्तव में यदि आप वास्तु या वाहन के लिए प्रयास करते हो तो उसमें विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। साथ ही ली हुई वस्तु लाभकारी भी नहीं रहेगी। इसीलिए जो जातक वास्तु या वाहन की योजना बना रहे हैं उन्हें थोड़ी प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती है। कुछ दिनों के बाद आपके लिए शुभ योग निर्माण होंगे। मई के महीने में वे शुभ योग आपको प्राप्त होंगे। वैसे शुभ अवसर आपके लिए निर्माण होंगे, इसीलिए किसी प्रकार की जल्दबाजी न करते हुए थोड़ी प्रतीक्षा करना आपके लिए उचित रहेगा। वैसे भी वास्तु या वाहन कोई हर रोज नहीं लेता है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मीन जातकों के लिए अत्यंत शुभ लाभकारी सिद्ध होगा। इष्ट देव से भरपूर आशीर्वाद प्राप्त कर आप आगे बढ़ते रहेंगे। पढ़ाई में अध्ययन में सफलता प्राप्त करोगे। जो जातक टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैनेजमेंट, फार्मेसी जैसे क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं या लेखक हैं, उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है। केवल अकाउंट से संबंधित जिनकी पढ़ाई शुरू है उन्हें थोड़ा अधिक अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। आपको अपने परिश्रम बढ़ाने होंगे, तभी अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूले। धन्यवाद। स्वास्थ्य कर्ज प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मीन जातकों के लिए सामान्य रहेगा। उसमें भी स्वास्थ्य की दृष्टि से महीने का पहला पखवाड़ा परेशानी का तो दूसरा पखवाड़ा लाभ का, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि आपके षष्ठेश रवि महाराज आपकी राशि में विराजमान है। 14 अप्रैल को वे आपके द्वितीय स्थान में प्रवेश कर उच्च अवस्था को प्राप्त होंगे, जिस कारण महीने के पहले पखवाड़े में स्वास्थ्य संबंधी समस्या निर्माण होना, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं से परेशानी होना या उनके संदर्भ में आपने अधिक विचार करना, ऐसी विपरीत स्थिति का आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस उन्हें नज़रअंदाज न करें, यह सलाह आपको दी जाती है। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्होंने महीने के दूसरे पखवाड़े में प्रयास करना चाहिए, वे निश्चित रूप से सफल होंगे। संक्षेप में इस महीने आपको सम्मिश्र फल प्राप्त होंगे। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मीन जातकों के लिए सम्मिश्र फलदायी रहेगा। उसमें भी नौकरी करने वाले मीन जातकों के लिए महीने का दूसरा पखवाड़ा तो व्यावसायिक जातकों के लिए महीने का चौथा सप्ताह विशेष उन्नति का, भाग्य का, शुभ अवसर प्राप्त करने वाला सिद्ध होगा। नौकरी करने वाले जो जातक गत कुछ महीनों से पदोन्नति की प्रतीक्षा में थे उन्हें वह अप्रत्याशित रूप से प्राप्त हो सकती है। कार्यस्थल पर आपके काम की प्रशंसा होगी। वरिष्ठ एवं सहकर्मियों से आपको उचित सहयोग प्राप्त होगा। व्यावसायिक जातकों को महीने के चौथे सप्ताह में व्यवसाय वृद्धि के लाभ के, सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। उनका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए। भाग्य की दृष्टि से विचार करें, इस महीने मीन जातकों को भाग्य से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। वास्तव में आपके भाग्य के सहयोग की आपको बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि गत कुछ वर्षों से आपको भाग्य का पूरा सहयोग नहीं मिला है। लगातार परिश्रम करते हुए आपने मार्गक्रमण किया है। विशेष रूप से मई के महीने में आपको भाग्य का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, जिस कारण जीवन में जो बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, वे कम होगी। इस महीने भी आपको भाग्य का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। सदुपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो महीने के दूसरे पखवाड़े से आपके कर्म समृद्ध होंगे। उचित कर्म, उनकी उचित योजना और उचित सफलता, इस पद्धति से आप आगे बढ़ते रहेंगे। नौकरी में सफलता, व्यवसाय में उन्नति, ऐसे कई विभाग
महीने के दूसरे पखवाड़े में कार्यान्वित होंगे। आप कर्म प्रधान बनने वाले हो। आपके कर्मों की दिशा उचित रहेगी। यह शुभ स्थिति आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपका लाभेश लाभ स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। इस महीने आपके लिए लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण होंगे। आपकी इच्छा पूर्ति होगी। गत कुछ महीने या वर्षों से जो इच्छाएं आपके मन में थी, वे अप्रत्याशित रूप से पूर्ण होंगी। उससे आपकी इच्छा पूर्ति बड़ी सरलता से होगी। संक्षेप में, लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अत्यंत शुभ है। उसका उपयोग कीजिए ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने मीन जातकों को विभिन्न प्रकार के खर्च करने पड़ेंगे। आपके लिए साढ़े साती का प्रथम चरण शुरू होगा। इस चरण में आपके लिए खर्च लागू रहेंगे। व्यय यदि आप करते हो, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हो, तो आने वाले अवधि में संघर्ष की तीव्रता कम होगी। वैसे भी मीन जातकों के लिए साढ़े साती का प्रथम चरण सामान्य रहता है, लेकिन आप जिम्मेदारियों का अस्वीकार करते हो, उचित कारणों से उचित खर्च नहीं करते हो, तो कहीं न कहीं नकारात्मक स्थिति निर्माण होती है, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। शनि महाराज का पहला नियम है, न्याय से व्यवहार करें। अपने कर्तव्य को पूर्ण करें, इस बात को आपने विशेष रूप से ध्यान में लेना चाहिए। जो मीन जातक विदेश में है, उनकी भव्य दिव्य उन्नति इस महीने से शुरू होगी। उसके बाद आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। वैसे भी अप्रैल का महीना युग परिवर्तन का है, वहाँ से आगे आपकी उन्नति होती रहेगी। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या संपूर्ण दुखी हो नहीं सकता। तदनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता। महीने के कुछ दिन सुख संतोष और सफलता को लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष कठिनाइयां और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मीन जातकों के लिए 2, 11 और 20 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक एवं शुभ होंगे। साथ ही 9, 18 और 25 यह दिन अशुभ एवं तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता आपको बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे लेकिन उतना ही बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। उनमें अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का सामर्थ्य होता है। इस अप्रैल महीने में, जैसा मैंने पहले भी बताया कि सभी ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं, उस अनुसार मीन राशि के दृष्टि से विचार करें तो प्रतिदिन सुबह आपने अपनी राशि का बीज मंत्र का 11 बार, राहु और केतु के मंत्र का कम से कम 4 बार पठन करना है। मीन राशि का बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। राहु का मंत्र है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। केतु का मंत्र, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः। यह अत्यंत सीधे एवं सरल मंत्र है। एक और महत्वपूर्ण बात है, मंत्रों का पठन करने से पहले आचमन करना न भूलें। आचमन कैसे करते हैं, इस संदर्भ में एक स्वतंत्र वीडियो हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उसका लाभ लेकर पहले आचमन की शास्त्रोक्त विधि को समझ लें, उस अनुसार मंत्रों के उपाय करें। आपको शुभ परिणाम निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कई ज्योतिष प्रेमी विभिन्न माध्यमों से मेरे साथ संपर्क करने का, मुझे प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं, लेकिन व्यस्तता के कारण मैं उन सभी का उत्तर नहीं दे पाती। इसीलिए आप केवल 2 माध्यमों से मुझे संपर्क करें। एक तो कमेंट बॉक्स में सीधा प्रश्न लिखें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें।
ताकि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अप्रैल माह कैसा रहेगा यह समझने के लिए हमने कुल 12 वीडियो चैनल पर लोड किए हैं। गुरु परिवर्तन, राहु केतु परिवर्तन, शनि परिवर्तन, इन सभी के वीडियो हमने इसी चैनल पर लोड किए हैं। अपनी राशि के वीडियो का खुद आनंद लीजिए। दोस्तों रिश्तेदारों को उनके राशि का वीडियो शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।